आपके लिए मशले राह है। और फिर देखिए आपके ये यानी कि जिस तरह का ये गिरफ्तार करने का फैसला, उससे ज़्यादा बुरा फैसला जो है कि आप चादर और चार दीवारी को पामाल कर रहे हैं और जो है वो आप कमरे में दरवाज़ा तोड़ कर रात के अंधेरे में आप अंदर जा रहे हैं और कितने भोंडे तरीके से ये सारा काम किया। ये कम से कम इतना ख्याल होना चाहिए कि ना हमारा दीन ना हमारा मुआशरा इस बात की इजाज़त देता है और ये काम उन्होंने करके दिखाया है। अब मेरा ख्याल है कि कोई शायद जो हकायक को जानबूझकर ना तस्लीम करने वाला शख्स ही कह सकता है कि जी वो वाकई जो नवाज शरीफ ने कहा वो गलत है। मेरा ख्याल कोई भी नहीं आज कहेगा। जो मैं कह रहा था पिछले 3-4 आपने मेरी तकारीर सुनी है, मेरा ख्याल है कि अब आज के बाद शायद आपको कोई शक व शुबा नहीं रह गया होगा कि वाकई पाकिस्तान के अंदर इस तरह स्टेट अबव स्टेट है। ये सब आर्मी चीफ ने तहकीकात की पेशकश की है, क्या आप समझते हैं कि जो तहकीकात की पेशकश की गई है बिलावल भुट्टो साहब को वो समझने सही होगी? या जो सारा मेरे ख्याल है कि जो वाकया हुआ है वो रोज़े रोशन की तरह से सबके सामने है। और फिर वो कौन सी मखलूक है जो जिसने आके ये कार्रवाई की है? सिंध पुलिस कहती कि हमने नहीं की, हमें ज़बरदस्ती अगवा किया गया, ले जाया गया, सिंध के पुलिस चीफ ने कहा। और फिर वो सारी सिंध की जो पुलिस है उसके जो सरबराहान हैं वो छोड़कर चले गए हैं अपनी ड्यूटी को। 70 ऑफिसर चले गए, 60 ऑफिसर जा चुके हैं। तो इससे